जय हिंद दोस्तों, जितने भी बच्चे कंपटीशन के तैयारी करना चाहते हैं उस सारे बच्चे के लिए एक विशेष जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये विशेष जानकारी के माध्यम से जो हम आज जो वीडियो बना रहे हैं वो कुछ खास नोटिस आज आप लोग को मिलने वाला है। और ये नोटिस उस बच्चे के लिए है जो दिन रात मेहनत करके सफल होना चाहता है, चाहे किसी भी फील्ड में वो चाहता है कि हमको जितना भी मेहनत करना हो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस सही वक्त पे एग्जाम हो, सही वक्त पे उसका परिणाम आ जाए, सही वक्त पे हम लोग को ज्वाइनिंग हो जाए। इसी के चलते बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आज नहीं बहुत वर्षों से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश से सही वक्त पे एग्जाम नहीं हो पाता है, सही वक्त पे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो हम यही विशेष जो जानकारी देने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ सरकार के कारण, रणनीति के कारण सही वक्त पे सही चीज नहीं हो पा रहा है, कुछ समय के चलते नहीं हो पा रहा है। जैसे आप लोग को एग्जाम होना था, दरोगा मेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दरोगा मेंस 26 अप्रैल को होना था लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो सका और ये एग्जाम का अनाउंसमेंट हो चुका है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि जानकारी नहीं है तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दरोगा मेंस का जो एग्जाम होना है 11 अक्टूबर 2020 को होना है, जो दो पालियों में आपका एग्जाम होगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होना है, एक इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होना है। एग्जाम तो अगर आप लोग को लगता है ये सही है या गलत है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, हमने भी चेक किया है तो ये सही नोटिस है और ये आपको 100% एग्जाम होगा, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप था इसमें बहुत सारे एग्जाम का जो डेट तो आ गया था लेकिन उसका एग्जाम का डेट जो है बढ़ गया है, लेकिन उसी चलते आपका दरोगा का भी मेंस का एग्जाम जो है बढ़ गया था। तो हम आशा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत कम है, आप लोग दिन रात करके मेहनत करें। अगर आप लोग को मैथ और रीजनिंग में कोई चैप्टर दिक्कत दे रही है, अगर आप लोग को कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करना है और उसके लिए हम अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे, ताकि आप चाहते हैं हम दरोगा बने, अगर लगता है कि नहीं थोड़ा सा भी मेहनत करने के बाद हम सफल हो सकते हैं तो आप लोग हमसे जुड़े हैं, इसी तरह जुड़े रहें। और जो भी कठिनाई होंगे, जो भी परेशानी आप लोग को होंगे, आप हमको सूचना दें, वो परेशानी हम दूर करने के प्रयास करेंगे, चाहे हमको जितना भी मेहनत करना पड़े, बस आप भी दिन रात मेहनत करें और हम आपके लिए जो चैप्टर आप कहेंगे हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। और हम यही कहेंगे आज से आप प्रैक्टिस सेट भी बनाने का प्रयास करें, ताकि आपको ये पता चले कितने समय में हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने समय में कितने क्वेश्चन हमसे सही हो पाता है, कितने समय में कितने क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता है, उसके लिए आपको एनालिसिस आपका प्रैक्टिस सेट ही दिला पाएगा। तो हम आशा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इतना तो बेवकूफ नहीं होंगे जितना बाकी लोग समझ रहे होंगे, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग मेहनती हैं, हम आपको 100% कहेंगे, बस थोड़ा सा भी आप लोग मेहनत आज से शुरू कर देंगे, अगर ये सूचना अगर आपको मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे इसके माध्यम से आप लोग को मिल ही जाएगा। अगर हो सकता है अगर ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जो दरोगा मेंस के एग्जाम तो नहीं दिया है या दरोगा मेंस में नहीं बैठे हैं, तो उसके भी संज्ञान में कोई दोस्त होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, उसको भी ये वीडियो आप लोग शेयर कर देंगे ताकि ये नोटिस उसको मिल सके और वो भी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे और मेहनत करे और सफल हो सके। तो दोस्तों मूल बात हम वही कहना चाह रहे हैं, आपके पास मात्र 35 दिन समय है और ये 35 दिन में अगर एक दिन में एक भी चैप्टर आप लोग मतलब पूरी ईमानदारी से समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो 35 दिन लग जाएंगे। तो 35 दिन तो आपके पास शेष है, जो आज एक दिन मान लेते जो हम नोटिस दे रहे हैं ये 6 तारीख आज जो हम दे पा रहे हैं ये भी समझिए समाप्त है, तो मात्र आपके पास 34 दिन बचा है। तो दिन रात आप लोग मेहनत करिए और जहां पे दिक्कत है आप कमेंट करें, जो चैप्टर आप लोग को पढ़नी है चाहे मैथ हो रीजनिंग, आप हमको कमेंट करने के बाद हम वो वादा करते हैं आप लोग को वो चैप्टर
पढ़ाएंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग चाहते हैं कि विशेष जानकारी ले, एग्जाम का टिप्स ले, तो एक मोबाइल नंबर जो आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस पर भी नंबर लेके बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी आएंगे हम उस पर मिलेंगे। तब तक के लिए आज यहीं तक। थैंक यू।